आज हम जो बैक क्लोजर मशीन है, सीलिंग मशीन है, जो उसमें धागा कैसे फिट करना है सिंगल थ्रेड में, वो देखेंगे। सबसे पहले आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी आपकी मशीन में, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास इतनी एक्सेसरीज आपको मिलेगी। अब आपको एलंकी निकालनी है और इसमें से आपको ये दो नट, एलंकी के जो नट हैं, इनको ओपन कर लेना है। ये आपको ओपन कर लेना है। अब आप इसके बाद ये ओपन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए इसको। ये ओपन हो गया, इसको आप बाहर निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको साइड में रखें। और इसको हमें फिटेड करना है, इसको फिटमेंट करने के लिए ये यहाँ पे रखिए और ऐसे लॉक कर दीजिए, दूसरा यहाँ से लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये लॉक हो गया, इसी तरह से इसको इसको भी पैक कर दीजिए आप। ये लॉक हो गया, ठीक है। जब ये फिटमेंट लॉक पूरा हो जाता है तो आप इसको ऐसे करिए, ठीक है, और इस तरह से ये लॉक नट की तरह फिर से इसको टाइट कर देना है। इसको पूरा टाइट करना है जब तक कि थ्रेड आपकी पूरी टाइट ना हो जाए, आपकी ये जो धागे का बंडल है ये लूज नहीं रहना चाहिए। ये लॉक हो गया है, इस तरह से याद रखिए कि आपको प्रॉपर लॉक करना है। अब यहां से धागा ले लीजिए, जब भी आपके पास नया मशीन आएगा तो आपको ये देखना है कि उसमें एक पहले से डेमो धागा डला रहेगा, उसको आपको जैसे यहां से मैं निकाल रहा हूं तो इसको निकालते जाइए एक एक स्टेप, और दूसरे वाले को आप डालते जाइए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको ये धागा यहां से निकालना है, यहां से निकालने के बाद आप इसको वापस से इस धागे को यहां से डाल लीजिए, ये निकल गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये धागा कहां जा रहा है, ये धागा हमारा यहां से अंदर जा रहा है, तो मैं इसको यहां से बाहर निकाल लेता हूं और ये बाहर हो गया, ये यहां से निकला है। अब ये धागा कहां जा रहा है, ये इधर के लिए निकल रहा है, तो मैं भी इस धागे को सेम रूटिंग के साथ
यहां से कर दूंगा, ठीक है। अब इधर से देखेंगे, अब हमारा ये जो थ्रेड है अब ये यहां से निकल रहा है, तो हम इसको एक हाथ से इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको यहां से डाल देंगे। यहां तक हमारी रूटिंग एकदम प्रॉपर हो चुकी है। अब हमको इसके अंदर डालना है, थोड़ा सा मशीन को लिटाएंगे, टिल्ट करेंगे, और अगर ये बाहर लाना हो इसको तो हल्के हाथ से ये जो मोटर है इसको घुमाएंगे। जब आप इसको घुमाते हो तो ये आपका बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये अब आप इसको भी निकाल लीजिए यहां से, ये धागा बाहर निकाल लिया एक हमने, और दूसरा यहां से डालना है इस तरह से, ठीक है। फिर देखेंगे कि हमारा जो ये धागा था जिसके साथ हम अभी तक चल रहे हैं वो ये है। अब थोड़ा सा ये सुई को बाहर करना है क्योंकि ये धागा सुई में डालना है, तो हम अगेन से इसी मोटर को घुमाएंगे। इस धागे को हम वापस से घुमा लेंगे, ऐसा खड़ा करके भी घुमा सकते हो। और ये इस तरह से आप इसको खींच के बाहर निकाल लीजिए। ये यहां से धागा बाहर निकाल सकते हैं प्रॉपर। ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया, अब मुझे ये धागा वापस से यहां से डाल देना है। इसमें यहां से धागा आपको ये डाल देना है और यहां पे छोड़ दीजिए। अब मतलब आपका ये धागा अनयूज हो चुका है और ये धागा आपका डल चुका है, आपकी मशीन प्रॉपर फिट हो गई। एक बार मैं वापस से दिखाऊंगा कि हमने कैसे किया है। उसके बाद आपको ये लॉक लगा देना है, इसमें सेंटर लॉक होता है, ये लगा देना है आपको, ये लग गया। अब आप ध्यान से देखो, हमने पहले इसकी फिटमेंट करी है, इसकी फिटमेंट के बाद हमने धागा यहां से ये इन किया, इसके बाद यहां से बाहर निकला, ये फिट किया, इस ग्रुप में जाएगा यहां लॉक। ये जो होता है ये धागे को टाइट सिलाई करनी है या लूज करनी है उसके लिए होता है। अगर इसको आप घुमा के टाइट करते हैं तो सिलाई आपकी टाइट होगी, और अगर इसको आप लूज करते हैं तो आपकी सिलाई लूज होगी। यहां से किया, यहां से निकलने के बाद यहां आता है हमारा थ्रेड, और उसके बाद यहां से निकल के वो डायरेक्ट निडल में चला जाता है, और इस तरह